वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो मूवमेंट स्पीड एंड कैमरा एंगल। वैसे तो यार इस टॉपिक को मैंने बहुत सारे वीडियो के अंदर कवर किया है, बट यार आप लोगों के कमेंट आने की वजह से मैं इस टॉपिक पे फिर से वीडियो बना रहा हूँ, वो भी हैंड कैम के साथ। एंड यार इस टॉपिक को कवर करने का मेरा यही मतलब है कि आप लोग किस तरीके से अपने मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो एंड कैमरा एंगल को चेंज कर सकते हो। एंड इस टाइम पर फ्री फायर गेम के अंदर, जो कि कस्टम के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड आप लोगों का मूवमेंट स्पीड बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, जितना ही वन टैप करता है। अपने इंडिया सर्वर में ऐसे कुछ लीजेंड्स प्लेयर हैं जो कि कस्टम में उनका गेम प्ले क्या ही अनदर लेवल का दिखाई देता है, लाइक राइस्टार, पागल, M10, ऐसे बहुत सारे लीजेंड्स प्लेयर हैं जिनका मूवमेंट स्पीड एंड कैमरा एंगल चेंज होते हुए दिखाई देता है एंड गेम प्ले क्या ही अनदर लेवल का दिखाई देता है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। सो यस गाइस, यार इस वीडियो के अंदर मैं हैंड कैम के साथ में आप लोगों को कैमरा एंगल चेंज करके एंड यार आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से कैमरा एंगल चेंज कर सकते हो एंड मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। एंड यार इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना गाइस, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे यार आप लोग अगर इस स्टेप को 100% अगर फॉलो करते हो तो कभी भी गाइस यार आप लोगों को मूवमेंट स्पीड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाला है एंड कैमरा एंगल भी चेंज होते हुए दिखाई देगा। इससे पहले गाइस यार, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को इसी तरीके से ओपी लेवल की वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। अब यार मूवमेंट स्पीड पूरा डिपेंड करता है आप लोगों के फिंगर के स्पीड के ऊपर, आप लोग कितने तेजी से अपने फिंगर को रन करते हो गेम प्ले करने के लिए। एंड ऐसे भी अपने गेम के अंदर कुछ कैरेक्टर हैं जो कि आपकी मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करते हैं, लाइक आलोक, जोसफ एंड केली। एंड अगर आप लोग मेरी वीडियो के अंदर भी देखोगे तो मैं इस कैरेक्टर को पर्सनली यूज करता हूँ, जिससे बहुत ही ज्यादा फास्टेड लेवल का और भी मूवमेंट इंक्रीज होता है। अब यार ये तो हो गया हमारा बेसिक टॉपिक जो कि हर बंदा यूज करता है, एंड जो नहीं यूज करते हैं उनको अपने गेम के अंदर इस करेक्टर को यूज करना है कस्टम के अंदर। अब जितना ही ज्यादा आप लोगों का फिंगर स्पीड फास्ट होगा एंड उतने ही फास्ट तरीके से आप लोगों का करेक्टर भी मूव होगा। एंड यार बहुत ही कम चांस होता है कि सामने वाला एनिमी आप लोगों को मार पाए। एंड यार यही एग्जाम्पल आप लोग मेरे वीडियो के क्लिप में भी देख सकते हो कि सामने वाला एनिमी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जा रहा है, फिर भी गाइस मेरे को नहीं मार पा रहा है। अब बात कर लेते हैं कैमरा एंगल की, कैमरा एंगल किस तरीके से आप लोगों को चेंज करना है एंड किस तरीके से चेंज करते हुए दिखाना है। अब यार इस क्लिप में आप लोग जस्ट देखो कि मेरा करेक्टर किस तरीके से मूव कर रहा है। एंड यार वही अगर आप लोग जैसे मूव कर रहे हो वही यही मूव मैं अगर ऑब्जर्व वाले बंदे को दिखाता हूँ तो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड यार इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं हर लीजेंड्स प्लेयर जो कि उनका कैमरा एंगल चेंज होते हुए दिखाई देता है। एंड जब वो बंदा रन करता है तो कुछ इस तरीके से अपने करेक्टर को मूव करता है एंड सामने वाले ऑब्जर्व वाले बंदे को कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, एंड जो कि बहुत ही यूनिक एंड फास्ट लेवल का गेम प्ले दिखाई देता है। अब जस्ट कैमरा एंगल को चेंज करने के लिए आप लोग अपने करेक्टर को कुछ इस तरीके से लेफ्ट या राइट की तरफ भी मूव कर सकते हो। एंड इस ट्रिक को अप्लाई जस्ट यार आप लोगों को धीरे धीरे मूव करना है, जिससे आप लोगों का बहुत ही इजीली तरीके से कैमरा एंगल चेंज होते हुए दिखाई देगा एंड ऑब्जर्व वाले बंदे को बहुत ही ओपी लेवल का आप लोगों का गेम प्ले दिखाई देगा। तो आप लोग समझ गए रहेंगे कि कैमरा एंगल किस तरीके से वर्क करता है। एंड यार ये ट्रिक अप्लाई करने पर जस्ट आप लोगों के नॉर्मल गेम प्ले दिखाई देगा, बट ऑब्जर्व वाले बंदे को बहुत ही ओपी लेवल का कैमरा एंगल चेंज होते हुए दिखाई देगा। एंड यही ट्रिक इसी तरीके से वर्क कर। तो गाइस यार अब बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर सेकंड, वन क्लिक प्रेस मूव करेक्टर। अब इसका मतलब आप कभी भी अपने करेक्टर को मूव कर रहे हो लेफ्ट या राइट, तो कभी भी अपने करेक्टर को एक ही बार में मूव करना है। एंड ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि 4-5 बार क्लिक करते करते अपने करेक्टर को लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करते हैं, जो कि इसी वजह से कभी भी गाइस यार उनका एक यूनिक लेवल का गेम प्ले नहीं दिखाई देता है। एंड वही अगर एक ही बार में अपने आप करेक्टर को मूव करते हो तो बहुत ही ओपी लेवल एंड गॉड लेवल का मूवमेंट दिखाई देता है।
एंड एयर ऑब्जर्व वाले बंदे को कुछ राउंड सर्कल में मूव करते हुए दिखाई देता है। इसका एग्जांपल भी आप लोग मेरी वीडियो के क्लिप में देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से मूव होते हुए दिखाई देगा, जो कि हर लीजेंड प्लेयर इसी टेक्निक को फॉलो करता है एंड उसे यूज करता है। ट्रिक नंबर 3, फास्ट एंड यूनिक ग्लू वॉल। अब किसी भी फास्टेड प्लेयर का अगर गेम प्ले ऑब्जर्व किया जाए तो उसका ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से लगते हुए दिखाई देता है। एंड इस ट्रिक को जस्ट यार अपने गेम के अंदर अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कभी भी गाइस हमेशा जस्ट यार फायर करते ही अपने वॉल वाले बटन को क्लिक करके कुछ अपने स्क्रीन को ऊपर की तरफ मूव करना है। एंड मूव करते हुए अपने फायर बटन को कभी भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है एंड उसी फायर बटन को देन रिवर्स रिटर्न लेके आना है कुछ नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से। एंड वैसे ही आप लोगों को वॉल पे क्लिक कर देना जिससे आप लोगों का वॉल लग जाएगा। अब यार ये चीज़ तो आप लोगों के गेम प्ले में बहुत ही नॉर्मल दिखाई देगी, बट जो ऑब्जर्व वाला बंदर रहेगा उसको क्या ही ओपी लेवल का आप लोगों का ग्लू वॉल लगते हुए दिखाई देगा। ट्रिक नंबर 4, हैंड स्पीड। अगर आप लोग मेरे हैंड कैम के वीडियो को देखोगे तो मैं बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट लेवल से अपने फिंगर को रन कर रहा हूँ, यानी कि अपने फिंगर को कस्टम एचओडी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। एंड यार यही ट्रिक को जस्ट यार अपने कस्टम गेम के अंदर आप लोगों को हमेशा यूज़ करना है। अब यार कस्टम के अंदर आप लोगों को हमेशा अनलिमिटेड ग्लू वॉल मिलता ही है। एंड यार आप लोग कभी भी गाइस यार अगर नॉर्मल गेम के अंदर भी आप लोग जितना अपने बटन को ज़्यादा यूज़ करोगे एंड अपने करेक्टर को मूव करते रहोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों का मूवमेंट इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा एंड आप लोगों का कैमरा एंगल भी चेंज होते हुए दिखाई देगा। अब यार जस्ट यार ये सारी ट्रिक को मैंने आप लोगों को बता दिया एंड यार आप लोग जब इस ट्रिक को पूरी तरीके से सारी ट्रिक को अगर अप्लाई करते हो तो बहुत ही गॉड लेवल का आप लोगों का मूवमेंट एंड कैमरा एंगल चेंज होते हुए दिखाई देगा। तो बस यार गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में।